नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून गुरुवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बुधवार रात को हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल और शिक्षा मंत्री कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों नेताओं में पहले कैबिनेट की बैठक में जमकर बहस हुई, फिर बैठक खत्म होने के बाद बाहर आकर एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। टकराव बढ़ता देख साथी मंत्रियों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले के लिए बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री सीएम निवास पर गए थे, जबकि मुख्यमंत्री सीएम निवास में होते हुए भी बैठक से वर्चुअल जुड़े थे। बैठक के मुख्य एजेंडों पर चर्चा के बाद राजनीतिक मामलों पर चर्चा के वक्त डोटासरा को धारीवाल के बीच में टोकने पर बात बिगड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 15 घंटे में मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। यह तय वक्त से 2 दिन लेट है। केरल में 3 दिन से प्री मानसून बारिश जारी है। सैटेलाइट इमेज में केरल के तटवर्ती इलाकों और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए नजर आ रहे हैं। हालांकि निजी मौसम एजेंसी स्काई मेट ने 30 मई को दोपहर के ही मानसून के केरल पहुंचने का ऐलान कर दिया है। इस बार 2 तूफानों ताउते और रियास का कई राज्यों पर असर पड़ने के कारण नौतपा का असर बिल्कुल नजर नहीं आया। दिल्ली में बुधवार को तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया, ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब गहलोत सरकार ने भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। आरबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला राजस्थान बोर्ड और शिक्षा विभाग मिलकर तय करेंगे। राजस्थान में ग्रामीण परिवारों को जारी किए जा रहे घरेलू जल संबंधों को परिवार की महिला मुखिया के नाम से आवेदन पर वरीयता मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर हुए निर्णय के बाद जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले में भागड़ा नहर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा है। जल संसाधन विभाग ने भागड़ा नहर को 2 जून से 10 जून तक रेगुलेशन जारी कर दिया है। हालांकि बीबीएमबी ने अभी 4 जून तक का शेयर ही निर्धारित किया हुआ है। आगे का शेयर निर्धारित करने के लिए 4 जून को बैठक होगी। इसमें राजस्थान को मिलने वाले शेयर का निर्धारण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग रेगुलेशन खंड के XEN सुरेश सुधार ने बताया कि भागड़ा नहर में 1200 क्यूसेक पानी चला रहे हैं। 2 जून की सुबह से रेगुलेशन प्रभावी हो गया है। 4 जून तक का शेयर भी मंजूर हो चुका है। अजमेर संभाग में पहले ही आर्थिक मंदी है, फिर कोरोना की दूसरी लहर ने काफी नुकसान पहुंचा दिया। पहली लहर ने मार्बल ग्रेनाइट कारोबार की कमर साल भर पहले ही तोड़ दी थी। बाद में हालात सुधर ही रहे थे कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने सब कुछ छीन लिया। किशनगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में केवल फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन संबंधित कार्य किए गए, जबकि मार्बल और ग्रेनाइट के गोदाम पूर्णतः 39 दिनों तक बंद रहे। इस वजह से फैक्ट्रियों में तैयार माल एकत्र हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 39 दिनों में करीब 600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार नहीं हो सका। जोधपुर में सेवानिवृत्त इंजीनियर के 65,70,000 रुपए में से 64 लाख रुपए साइबर ठगों से बचाने वाला खांडा फलसाद थाना प्रभारी दिनेश लखावत व कांस्टेबल सुरेश बिश्नोई को पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने बुधवार को 2,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। बनीवावाड़ा निवासी सेवानिवृत्त XEN कृष्ण कुमार के बैंक खाते से ठग ने 6 लाख रुपए निकाल लिए थे। इतना ही नहीं, 58 लाख रुपए की FDR भी तोड़कर रुपए ट्रांसफर करने लग गए थे। कुल 64,70,000 रुपए साइबर ठगों ने निकाल लिए थे। राजधानी जयपुर में सख्त लॉकडाउन जारी है, लेकिन इसमें भी भू माफिया अवैध कॉलोनी बसाने से बाज नहीं आ रहे। JDA प्रवर्तन दस्ते ने ऐसे ही 2 केस में कार्यवाही की। दस्ते ने निजी खातेदारी के करीब 10 बीघा भूमि पर 2 अवैध कॉलोनियों को बसाने का प्रयास विफल कर दिया। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 9 के कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। पिछले 24 घंटे में देश में 1,33,048 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह रही कि 2,31,277 संक्रमित ठीक भी हुए। इसी तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,01,000 की कमी हुई है। कोरोना महामारी के समय दवा, इलाज, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछे हैं। हालांकि सरकार ने इस दौरान जब कोर्ट के अधिकारों पर सवाल उठाया तो अदालत ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि जब लोगों के अधिकारों पर हमला हो तो वह खामोश नहीं रह सकता। देश में 18 से 44 साल के लोगों के पेड वैक्सीनेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन बताया।
कोर्ट ने पूछा कि जिस कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन को जरूरी बताया जा रहा है उसे नेत्रहीन कैसे इस्तेमाल करेंगे, देश की आधी आबादी के पास मोबाइल नहीं है, वे कैसे वैक्सीनेशन कराएंगे। कोरोना से बने हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी। हरियाणा ने भी इसी दिन 12वीं बोर्ड एग्जाम न कराने का फैसला लिया। इसके ठीक एक दिन बाद यानी बुधवार को पहले गुजरात ने, फिर मध्य प्रदेश ने, उसके बाद उत्तराखंड और राजस्थान ने भी अपने यहाँ 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश में 12वीं के 7,50,000 और गुजरात में 6,83,000 छात्र हैं। राजस्थान में 12वीं के करीब 9.5 लाख स्टूडेंट हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी और महाराष्ट्र भी इस पर जल्द फैसला दे सकते हैं। मोडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर इन कंपनियों की वैक्सीन को बड़े देशों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली हुई है तो भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रिजिंग ट्रायल की जरूरत नहीं है। सरकार ने अभी वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद होने वाले बड़े साइड इफेक्ट को लेकर हर्जाने या जवाबदेही जैसे शर्त पर फैसला नहीं किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।